बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पाए, अम्मी के हाथ के पाए। बना रहे हैं पाए। बेसिकली हो रही थी हमारी नई सालगिरह की प्रिपरेशन, बट पाए बन रहे हैं तो पाए की डिश भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, और वो है अम्मी के हाथ के पाए, जो कि बहुत मजे के बनते हैं और अम्मी बनाती है। बड़े के पाए बन रहे हैं, बड़े के ये देखें, पिंक है, बड़े के पाए बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चलो अम्मी बताएंगे, कैमरा मैन पकड़ी, अम्मी ये धो धुला के सारे पाए मम्मी बनाए, धो धुला के सारे पाए बनती है। इतने शोर में तो आवाज ही नहीं आएगी। मैंने धो के सारे पाए धो के मैं उबलने रखूंगी, ये सारी रात पकेंगे, पूरी रात पकेंगे और इसमें मैं अभी यखनी की तरह इसमें ये डालूंगी ताकि इसकी कोई स्मेल ना आए। और ये पानी जो है पाए वाए जो है सब धो लिए हैं, धुल धुला के पाए तैयार हुए हैं। एक पाए है चार पाए वाली गाय हमने ली थी, बड़े के पांच पाए बन रही। ये मैं नमक डाल दी इसके अंदर, नमक डाल दी और डालो पानी अभी फुल भरना पानी डालते रहे। हल्दी डाल दी है, ये मैं हल्दी डाल दी इसमें। ये बड़े स्पेशल पाए होते हैं और हम लोग सब पागलों की तरह खाते हैं। आप बताओ हम लोग कैसे लगते हैं? इतने यम्मी होते हैं कि जो चूट चूट के खाती है। अच्छा, पर्सनली मुझे जो है ना वो बकरे के छोटे के पाए पसंद है, बट घर वालों को जो है ना वो बड़े के पाए पसंद है। हाँ, सर्दी में तो बेस्ट चीज है ये। मैं डाल लेंगे, और ये पाए जो बन रहे हैं स्पेशल बन रहे हैं मेरी और अम्मी की सालगिरह साथ में, मतलब आगे पीछे एक साथ, लेकिन दो दिन का फर्क है तो हम लोग एक साथ ही कर रहे हैं, हम एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो साथ में आपको एक पाए की रेसिपी मिल जाएगी, बेहतरीन किस्म के पाए, लाहौरी पाए जो बिलावल जी मशहूर है, प्याला पाए वो मिल जाएगी, जो ये कराची वाले पाए। ये मसाला डाल दिया इसमें, साबुत गरम मसाला, ओ ये भी अच्छा खास है, डाल दिया रानी ने डाल दिया, कोई बात नहीं, डाल दिया नीम सूट के आ गए, नीम सूट के आ गए, पाए पाए वगैरह आ जाएंगे। अरे तो अरे अपना और ये पिताजी पानी डाल दिया, मतलब हेल्प करवा रहे हैं दादा जी। ये ले अब इसको भर के पानी डालेंगे, ये रात भर पकेंगे। सुबह हम इनका मसाला बनाएंगे तो फिर बताएंगे मसाला। अभी हमने फाइनल जो है उबलने लगी, अभी सिर्फ ये हल्की आंच पे पूरी रात पकता रहेगा। सुबह बंद करेंगे। ठीक है, सुबह बताएंगे। मतलब आपने ये देख लिया सब कुछ, क्या कहते हैं, रेडी कर दिया। अब ये पूरी रात धीमी आंच पे, हल्की आंच पे जो है पकते रहेंगे, और सुबह इसके जो बकाया था इंग्रेडिएंट्स है वो इसमें डालेंगे, तो वीडियो भी हम तब कंटिन्यू करेंगे। कितना डालूं बताओ, पाए का मसाला तैयार कर रही हूँ, ठीक है, चार डाल दिए, सही है, चार चमचे पिसा धनिया डाला है। अब डाल देंगे मैं लाल पीसी मिर्च, छह चमचे डाल दी, ज्यादा है ना सालन, ठीक है, छह चमचे हमने डाली है पीसी मिर्च, डाल देंगे हल्दी, दो चमचे हल्दी डाल दी, ओके। अब डालेंगे अदरक लहसुन, अदरक लहसुन और अदरक, अच्छा, तीन चमचे पेस्ट डाल देंगे। हम आपको पाए की शक्ल दिखाते हैं, गल चुके हैं। रात भर पके हैं और ये गल चुके हैं पूरे के पूरे। अब ये मसाला हमने अलग से बना के इसमें डालेंगे। चलो अभी हम मसाला भूनेंगे, फिर पाए डाल देंगे इसमें।
मसाले, ये सारे मसाले हमें वापस रिपीट करें, क्या क्या मसाले इसमें? अदरक लहसुन, प्याज पिसी हुई, और पिसी मिर्ची लाल, हल्दी, और क्या कहते हैं धनिया पिसा, धनिया पिसा, ये सारा। अब इसको कम से कम 2-3 घंटे भूनेंगे। बहुत भूनना होता है ना, बहुत भूनना होता है, सबसे मुश्किल काम यही है इसको भूनना होता है। उसी से टेस्ट आएगा, उसी से टेस्ट आएगा। सारे मसाले डाल दिए, गरम गरम मसाला था भून, ये सारे मसाले। फुल बड़ी वाली पतीली में भरना ही अच्छा खासा फुल भर जाता है, पूरा ख़त्म भी हो जाता है, ये बनते इतने मज़े के। बस हो गया, हल्की आँच पर रखेंगे ये, जब पकने लगेगा तो इसको हल्की आँच पर रख के भुनने देंगे। सही, फिर इसमें सारे पाए शामिल करके शोरबा कर लेंगे। सही, धीरे भी कर देंगे। फाइनली ये पाए हमारे बड़े के पाए जो है वो बन चुके हैं, अम्मी के हाथ के पाए, और रेसिपी आपने देख ली होगी, अगर फिर भी रेसिपी तैयार हो गई है, और ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। और जब तक हम लोग खा रहे हैं ये पाए, वीडियो तक के लिए जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।